दोस्तों आज तक आपने ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे होंगे जिन्होंने अपनी मर्जी से और अपनी पसंद की लड़की से शादी की हो। क्रिकेटिंग जगत में ऐसी बहुत सारे खिलाड़ी मिल जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज करने में ही यकीन रखती हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको जिस खिलाड़ी की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसी स्टोरी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस और वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज कायरन पोलार्ड के बारे में, जिनकी लव स्टोरी सबसे एकदम अलग से है। दोस्तों आपको बता दें कि कायरन पोलार्ड ने जिस लड़की से शादी की है उनका नाम है जैना अली और वह भी वेस्ट इंडीज की ही रहने वाली है। पोलार्ड और जैना तकरीबन 7 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने साल 2012 में शादी की है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलार्ड और जैना स्कूल टाइम से ही इकट्ठे रिलेशनशिप में थे और उनका रिश्ता काफी बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब कायरन पोलार्ड ने अपना करियर क्रिकेट में सिलेक्ट करने की सोची तो जैना को इससे काफी तकलीफ हुई थी, क्योंकि पोलार्ड की हाइट भी बहुत अच्छी थी और उस समय वेस्ट इंडीज के ज्यादातर लड़के बास्केटबॉल खेलने और करियर बनाने की सोचते थे, क्योंकि उस समय वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी क्रिकेटर्स को कुछ ज्यादा कमाई नहीं दी जाती थी और एक समय तो कई वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने भी अपने बोर्ड का बहिष्कार करने का सोच लिया था और नेशनल टीम से अपना नाम भी वापस ले लिया था। लेकिन जब पोलार्ड का सिलेक्शन आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से हुआ तो उसके बाद तो जैसे कि उनके खेल और करियर में बहुत बड़ा उछाल आया। इसके बाद तो पोलार्ड ने ऑलराउंडर के तौर पर मुंबई इंडियंस में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके उन्हें काफी मैच भी जितवाए और इसीलिए अगले ही आईपीएल सीजन में उन्हें बहुत बड़े प्राइज में मुंबई इंडियंस की टीम ने रिटेन कर लिया और उनका क्रिकेटिंग करियर सही लाइन पर चल पड़ा। लेकिन इसके बाद भी जैना को बहुत ज्यादा मनाने के बाद कायरन पोलार्ड ने साल 2012 में उनसे शादी कर ली और अब उनके दो बच्चे एक लड़का और लड़की हैं। तो दोस्तों आपको कायरन पोलार्ड की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। दुनिया भर की वायरल बात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।